नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ कैमरे के सामने आकर। हाँ, देख सकते हो मेरा लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका है। दाढ़ी मूछे सब कुछ बड़ी बड़ी हो चुकी है और क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला शेव वगैरह करवाने का, तो आज मैंने सोचा एक व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करते हैं। हम लोग गंदम की कटाई कर रहे हैं यानी गेहूँ की, तो आज हमारी जो है थ्रेशर चल रही है मशीन, जिसमें यानी कि तूड़ी को अलग किया जा रहा है, जो भूसा होता है, और जो कड़क होती है दाने वो अलग किए जा रहे हैं। तो बिजी मैं काम करते करता हूँ, तो मेरे माथे ऊपर आप देख सकते हो बालों में बहुत सारा भूसा भर चुका है यार, उड़ उड़ करना। तो मैं जी आया था यहाँ पर अपने जो अपने पिताजी के लिए खाना लेने के लिए, रोटी लेने के लिए मैं घर पर आया हुआ था। तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं, तो आज काफ़ी दिनों के बाद कैमरे के सामने आकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई खेतों में काम करते हो लेकिन ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है भाई ने, तो मैं आपको इसके पीछे एक छोटी स्टोरी है वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। अभी जहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पर पीछे, तो मैं उसकी बैक साइड पर आ गया हूँ। और तो ताकि वो वजह ये बनी है कि ऐसे ना मेरी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाती, क्योंकि शोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अलावा भी हमारे जो पास जो खेत है और जो कि हमारे हमसायों के खेत है वहाँ पर भी मशीनें चल रही हैं इस वक्त, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि फसल की जो कटाई की है वो बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है, तो वहाँ पर भी अभी कुछ मशीनें चल रही हैं, तो मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस वो दूर दूर तक आपको अगर नज़र आ रहा होगा कैमरे से, तो जो मशीनें चल रही है ये देख लो जी, बहुत दूर दूर तक ये वो मशीनें, तो तकरीबन दो तीन मशीनें हैं जो कि वहाँ पर अभी चल रही है। और ये चश्मा मैंने इसलिए पहना है ताकि हमारे आँखों में जो है तूड़ी वगैरह मिट्टी वगैरह जो होती है ना मशीनों के जरिए उड़ उड़ कर आती है, ताकि वो आँखों में ना चले जाए और उससे आँखों में नुकसान होता है। तो मैं तो काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मेरी आँखों में मिट्टी जा चुकी है और मेरी आँखें ख़राब हो चुकी है। इस वजह से आजकल जो है ना धूप वगैरह से बचाव के लिए और मिट्टी वगैरह से बचाव के लिए आँखों पर मैं ये चश्मा लगा कर फिरता हूँ, ताकि आँखें जो है महफूज रहें, बच सकें। तेज गर्मी फिर भी इतना काम, कल सारा दिन चलती रही है थ्रेशर। रात को तकरीबन 2 बजे हम लोग जो है फर्ग हुए और फिर मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है जी 10:11 का, और
अभी मैं जा रहा हूँ फिर खेतों की जानब। अभी मेरे खाना वाना खाया है घर की जानब, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आया हुआ था। तो थ्रेशर वाला जो काम था, मशीनी वाला, वो तो सारा का सारा खत्म हो चुका है। और अब जो हमारा काम है वो ये है कि हमें भूसे और भूसा जो होता है उसे, और जो हमारे गंदम यानी गेहूँ के जो दाने होते हैं उन्हें ठिकाने लगाना है। तो ठिकाने लगाते हैं वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस कल सारा दिन ट्रैक्टर पर काम करते रहे, तो जो ट्रैक्टर की हमारी डीजल वाली टैंकी है वो हो चुकी है लीक। तो मैंने अभी खोला और मैं अभी आपको हाथ ये दिखा रहा हूँ, हाथ मैंने अभी धो लिए थोड़े से ठीक है, वरना हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे ना डीजल से और जो होता है ऑयल, काला ऑयल होता है ना उससे। तो आपको टैंकी दिखाता हूँ मैं, तो अभी हम रिपेयरिंग के लिए लेकर गया है क्योंकि अभी हमारी जो है हल चलाने वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके लिए रिपेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गाइस ये देख लो जी, ये जी हमारा 82 मॉडल ट्रैक्टर है और यहाँ पर इसकी टैंकी थी, तो टैंकी हमने निकाल ली है। तो टैंकी अभी जी लेकर गए हैं जी बनवाने के लिए, वेल्डिंग होगी। और ये ट्रैक्टर जी ये फीएड है 82 मॉडल, तो ये इसकी हालत कुछ यूँ है जी। इसके ज़रिए हम अपने खेती वगैरह करते हैं। और ये दो डिब्बे हैं डीजल के, एक में से टैंकी का डीजल निकाल कर एक में डाला है और ये हम लोग पेट्रोल पंप से लेकर आए थे। तो गाइस मैं कोशिश तो यही करूँगा कि यार ज़्यादा देर तक गैप ना हो व्लॉग में, क्योंकि कहीं आप लोग मुझे भूल ही ना जाओ यार, है ना। तो इसके लिए ना मैं 2-3 दिन बाद व्लॉग बनाता रहूँगा, ऐसे ही इधर उधर काम वगैरह करता है ना, तो काम वगैरह करके करता हो जाऊँ वही शेयर कर दूँगा, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता। ज़्यादातर बात यह है व्लॉग की कि ऐसे मैं व्लॉग बनाने को रोज़ बना सकता हूँ, जो काम कर रहे थे वही बना बना कर आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन यार मेन मुद्दा मेन मसला तो ये है ना कि टाइम नहीं होता है ना, तो यानी कि टाइम हो तो अभी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियो मोबाइल उठाकर, तो अभी नहीं बना सकते हैं। तो गाइस ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो, 3 दिन लगे हैं इसे शूट करते करते, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर करके या जी थोड़ा सा बना लिया है। तो मिलते हैं जी एक नेक्स्ट फर्स्ट व्लॉग में, अब कोशिश करूँगा कि 3 दिन बाद एक व्लॉग लास्ट भी आएगा। तब तक अपना ख्याल रखना है और अपने भाई को ऐसे याद रखना है, मेरे चैनल पर विजिट करता रहना है, ये ना हो कि आप लोग मैं इधर काम काज के चक्करों में फंस जाऊँ और आप लोग मुझे भूल ही जाओ, और फिर मैं आपको जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुँचे ना और आप लोग यार कि दोबारा देखो ही ना, ऐसा ना हो जाए यार। तो आप लोग यार आते रहना है चैनल पर, 2-3 दिन बाद व्लॉग्स भी आते रहेंगे।